तेजू को दे दी ये गाड़ी, ये क्या कहते हैं बंदू बंदू। और खाना क्या है, पेट किससे सही होगा? पिज्जा से नहीं, किटकैट 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 तो लानी पड़ेगी। मेरे भाव को किटकैट से पेट ठीक दर्द होता है ना। बैक एवरीवन, वेलकम टू घमो राजस्थानी चैनल। शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। और चित्रू, चित्रू के पापा मम्मी जब आए थे कल परसों, उस दिन का व्लॉग है। और अभी तो प्लानिंग ये है कि मार्केट में जितने काम है वो अभी कर लेते हैं और शाम को आ जाएंगे घर पर, और यहाँ पर मस्ती करेंगे, यहाँ पर जो भी बातें साते करेंगे, गप्पे मारेंगे। और अभी सबसे पहले गए हैं पार्टी करने, बच्चों को दे रहा है मामा पार्टी। अब क्योंकि दो खुशखबरियाँ हैं, क्या है वो अभी शेयर कर देंगे। दो खुशखबरी के साथ इनको बच्चों को फुल पार्टी मिल रही है, जिसमें इन्होंने जो ऑर्डर किया था वो ऑर्डर सारे के सारे डबल कर दिए। एक दिन आ बोतल देखना तो डर गई हूँ। बेटी बेटी इनके मैं बोतल देगी, मैं कह रहे आ तो कोई है भाई पिए कड़ाऊंगी टेबल है। मैं तो ना कोई पिए कड़ा टेबल मत आई, ओठ पर दूसरी टेबल मत की बेटी बोतल पड़ी। कारण ये था कि हम जस्ट घर पर खाना खा कर गए थे, हमने सोचा पता नहीं कितना मार्केट में कहाँ कहाँ काम होगा और फिर जो है भूखे रह जाएंगे। लेकिन इन्होंने जाते ही खाने का प्लान बना लिया तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। तो हम घर से ठूस ठूस के खाना खा कर गए थे और मेरा व्रत था इसलिए मैंने फुल खाया था। लगभग टाइम भी काफ़ी हो चुका था तो लेट शाम तक मैं टाइम खोल देती हूँ व्रत। तो खाना खा कर गए थे और व्रत के बाद तो खाना पॉसिबल था नहीं, तो इन लोगों ने मेरी आँखों के सामने क्या क्या किया है आप अपनी आँखों से देख लीजिएगा, और मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है वो भी देख लीजिएगा। मैं वो निकाल रही हूँ सेल्फ स्टिक थैले में से आधे घंटे से। हम क्या हूँ तो आ गई मार चले गोजे चले गोजे ठीक है। तो ये मैं किसी और की बात कर रही थी और उसको ज़्यादा ही वो इमोशनल बनाने के लिए कुछ ज़्यादा ही नाटक हो गया और इस तरह का हो गया ये। और सेल्फ स्टिक आखिर जाकर आधा घंटा बाद उस थैले में से निकल चुकी है और बच्चे कर रहे हैं ऑर्डर और कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि अब फटाफट ऑर्डर कर लेते हैं। मम्मा को फिर चिढ़ाते हैं क्योंकि हमारे तो खाना खाया हुआ तो भी हम खा लेंगे। और ये दिव्या है ना, ये हफ्ते में रेगुलरली तो ये एक या दो रोटी खाती है और हफ्ते में या फिर महीने में दो तीन बार इसको दौरा पड़ता है खाना खाने का। तो जब ये इसको दौरा पड़ता है तब इसको गिनती नहीं रहती कितनी रोटी खाती है कितनी नहीं खाती है, इसलिए तो मोटी नहीं होती, हेल्दी नहीं होती। क्योंकि महीने में चार बार खाने से कोई मोटा थोड़ी होता है, फिर वो चार बार की पूर्ति बाद में होती रहती है जब कम खाती रहती तब। तो मतलब आज घर से खा के आई है तो आज यहाँ पर ये पूरे बट काटेगी और मतलब सबसे ज़्यादा यही खाएगी। इनका एक्स्ट्रा खाना आएगा उसको भी यही मैनेज करने वाली है। इनको ज़्यादा तेज़ भूख लगी हुई थी क्योंकि सुबह से ये थे कोर्ट में और पहली बार कोर्ट में किसी अच्छे काम के लिए गए थे। मतलब हमारी फैमिली से ज़्यादातर लोग कोर्ट में जाते हैं, वो मजबूरी में जाते हैं, लेकिन इस बार अपनी मर्जी से और अच्छे काम के लिए गए थे। तो वहाँ पर इनके लग गए थे लगभग तीन चार घंटे तक। तो आते ही सबसे पहले तो इन्होंने कहा बाकी वाला जो खाना है बाद में आता रहेगा, सबसे पहले इन्होंने दोनों ने ही भाभी ने और भाई ने समोसे ऑर्डर किए हैं और ये खा रहे हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि हमने और कितना ऑर्डर दिया है। और ऑर्डर दिया तब मैंने कहा था भाई देखो मेरा व्रत है और हम खाना खा कर आए, लेकिन मेरी बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जब ऑर्डर आया तब पता चला कि मेरा व्रत है, फिर बोल रहे थे कि यार तो इतना ऑर्डर कर लिया अब क्या करेंगे। मुंड बड़ा रे सर का एड़ा है वेरी टेस्टी वेरी टेस्टी। पहले चमके थे अभी टेस्टी, हर एक मिनट में स्वाद बदलते रहते हैं। ओहो पापा की चिंता हो गई है, पापा रो मुंड बड़े पानी पिलाओ भाई। हाँ जी अब जाएगा और पापा को पानी पिलाए बिना छोड़ेगा नहीं, इसको चिंता बहुत हो रही है। पापा के मुंड बड़े पानी पाओ भाई, और पानी नहीं बोल पाता है ये, बोलता पाई, तो पाई पिलाने अब जाएगा। और इसके बाद आपको ये बता दूँ क्या बता रही थी, क्या बता रही थी मैं खुद भूल गई। चलो ठीक है थोड़ा सा बंद करती हूँ फिर याद करती हूँ।
आज मेरे YouTube पे 2 लाख सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए, तो उसकी मैं तो बच्चों को छोटी सी पार्टी दे रहा हूँ। और एक खुशी और है जो सीक्रेट है, तो वो तो मैं आपको बता नहीं सकता। 2 लाख डबल खुशी में मैं जो ये देखो पीछे पार्टी लेने वाले कैसे उछल रहे हैं, और दूसरा इधर देखो नाटक कर रहा है, केक नहीं खा रहा है। और इसके बाद बच्चों के लिए पेस्ट्री ऑर्डर की, तो उसमें भी चित्रू ने टच भी नहीं किया। चित्रू और चित्रू के पापा यानी निम्बाराम, ये दोनों मीठा बहुत कम खाते हैं, मतलब ज़्यादा शौकीन नहीं है, मंगा लेंगे दूसरे के देखा देखी करके। तो चित्रू भी कई बार चॉकलेट वगैरह मंगाता है, लेकिन मंगा के फिर खाने को पास वाले होते हैं ना, उनको खाने को मिलता है। तो अब ये चित्रू की पेस्ट्री उसको भाई ने ली है, और भाई को भी पूरी नहीं खा पाएगा तो फिर देगा लक्ष्मी भाभी को, लक्ष्मी भाभी को भी पूरी नहीं भाएगी फिर देगा तेजू को, तेजू और दिव्या इसको फिनिश करेंगे। यहाँ तक ये पेस्ट्री चलने वाली है, और दिव्या तो बहुत खुश होगी इसके लिए, पेस्ट्री जितनी भी हो चलेगी। ये तो कहती है कि पेस्ट्री अंदर जाके सिकुड़ जाती है और पेट में इतनी जगह भी नहीं रोकती है, तो तो आज जब तेजू तो एक खाने की खुशी में काफ़ी खुश है, दूसरा चित्रू की खुशी में कि वो आज चलेगा हमारे घर पर, और आज हम जो है फिर खेलेंगे देर रात तक। क्योंकि लास्ट टाइम जब ये चित्रू वहाँ पर आया था, और उस रात को जब ये बच्चे खेल रहे थे, तो फिर तेजू के पिताश्री ने कहा था कि आवाज़ें मत करो, कूदो मत, तो फिर इनको चुप कराना पड़ा था लगभग 9:30 बजे। बाकी इतना जल्दी ये चुप करते नहीं हैं, जब कोई घर पर नहीं होता है तो ये फिर 12 बजे तक कूदते हैं, फिर इनको ज़बरदस्ती डांट फटकार के मतलब सुलाना पड़ा और चुप कराना पड़ा था। तो उस रात भी वो खेल नहीं पाए, और दूसरी रात तो वैसे ही बसीड़ा हो गया था। तो आज ये बहुत खुश है कि आज घर जाके हम जो है फुल नाइट जितना हो सके उतना हम जो है हो हल्ला करेंगे, खेलेंगे दोनों जितना हो सका उतना खेलेंगे। तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, बाकी काम कब तक होते हैं। अभी तो यहाँ पर खाने में इतनी देर लग गई थी कि बच्चे खेलने लग गए थे, बाकी जो है कुछ मिलने वाले आ गए थे इनके, तो उनसे मिलने लग गए खूब, और खाने में तो तेजू ही इंजॉय कर रहा है ऐसा लग रहा है, और फिर दिव्या कर रही है। इसके बाद मैं तो मुँह उतार के बैठी हूँ पास में। ये तेजू कह रहा है मैं ज्यादा मीठा नहीं खाता, इसको बोल दें तो शुगर खा जाए एक दो बार भर के, और इसको बोल दें टॉफियों की पूरी थैली खा जाता है, इसको जलेबी दे दें तो किलो पर खा जाए, गुलाब जामुन दे दें तो किलो पर खा जाए, और कहता है क्या मैं ज्यादा मीठा नहीं खाऊंगा। यार बेइज्जती मत करो मीठे की, और ऊपर से बोलता और जाएगा मैं ज्यादा मीठा खाऊंगा तो मुझे डायबिटीज हो जाएगी। और कैसे ठूसे जा रहा है, सबसे ज्यादा तो इसको ही खाते हुए देख कर है ना वो खाने का जो है इंजॉय हम कर सकते हैं, मतलब देखो नहीं भूख लगी हुई होती है। इन लोगों की मेरे से क्या दुश्मनी थी, 1 पिज्जा 2 पिज्जा और ऊपर से पीस दिखा के खा रहे हैं, ऐसे ऐसे दिखा के खा रहे हैं, इसमें लागी व्रत टूट जाएगा। क्या कर रहा तू, अब छोड़ तेरे को ऐसे यहाँ से पकड़ा वहां से। हेलो गाइज, हेलो गाइज, हेलो गाइज, हेलो गाइज, हेलो गाइज, कैसे हो, कैसे हो? नहीं सही नहीं है, हेलो गाइज, सही है क्या? आप लोग पिज्जा, अरे नहीं ये उठा नहीं पाएगा, मैंने पिज्जा पीछे से कर दी थी। तो यहाँ पर हम चित्रू की बात पे थोड़ा इमोशनल हो गए थे, चित्रू को बोला भाई चलो मेरे घर पर, तो चित्रू वो पुराने घर से काफ़ी डरा हुआ था, काफ़ी मतलब वो कहते हैं ना हमारे मारवाड़ी में हाक बाक हो रखा था, तो क्योंकि वो वहाँ पर काफ़ी दिनों तक रहा था तब भी वो काफ़ी डरता था, जैसे ही देखता था सामने तो फिर जाके दरवाजों के पीछे या किसी कोने में या फिर मेरे पास आके छुप जाता था। और उसके बाद उसने उस रात को भी उसको खेलने नहीं दिया, और फिर दूसरी रात जब भसीड़ा हुआ उस रात को तो ये बहुत बुरी तरह से डर गया था। तो एक दिन जो बीच में आए
आए थे और हम वहाँ से गाड़ी लेके निकले, तो जैसे ही हमारी वो गली आई ना, तो तेजू कह चित्रू कह रहा है वहाँ से, यहाँ से पापा तेज चलाओ, ये घमू की गली है, घमू के घर की गली है, तो अटो तेज चलाओ, मतलब छोरो जो कह रही हो कि वापस घमू के वहाँ पे नहीं जाएंगे। लेकिन फिर हमने कहा हम उस घर जाने की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरा घर है जहाँ पर तेरे कोई डर नहीं है, तू वहाँ चलेगा। तो वो कहता है वहाँ पर चल लेंगे, ठीक है। मतलब बड़ी मुश्किल से उसको समझाया है, तब जाके थोड़ी उसने हामी भरी है, लेकिन फिर भी उसको विश्वास नहीं है कि घमू के वहाँ जाएंगे तो सब कुछ ठीक ठाक होगा। इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से, पता नहीं, मेरे बच्चे भी थोड़े थोड़े बीच में थोड़े यूं हुए थे और अब ठीक है। और चित्रू भी बीमार था और उसके बाद भी घर जाके इसको सांचौर लेके गए शिशु अस्पताल, इसकी दादी भी साथ में, तो अब शायद तबीयत ठीक है। लेकिन उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी तो ज़्यादा कुछ नहीं खाया, एक पिज्ज़ा का पीस, वो भी सिर्फ चखा था, बाद में नहीं खाया था। तो हो गया है यहाँ का, अब निकलते हैं किसी और काम, कहाँ पर कहाँ जा रहे हैं। कोकड़ बेटी, कोकड़ है, कोकड़ बेटी ला रहे, आओ ना कोकड़, आ चित्रू, ओ एक बड़ा कोकड़ आ गई होगी, आ गई बड़ा, आ गई छोटे छोटे टैबलेट। अच्छा कहीं बैठ जाए, कहीं बैठ जाए। तो यहाँ वेट हो रहा है क्योंकि ये कुछ और है जान पहचान की, ये भी साथ चल रहे हैं। और एक जो है तीसरा पिज्ज़ा ऑर्डर किया था निम्बे के किसी दोस्त की बच्ची के लिए, तो हुआ क्या था कि वो तीसरा पिज्ज़ा लाए नहीं, और जो दो पिज्ज़ा हमने ऑर्डर किया उसमें से एक खा पाए एक नहीं खा पाए थे, वो पैक करके ले आए। और जैसे ही निम्बे ने बोला कि ये उनको दे दो, तो मैंने कहा भाई ये तो वो है जो हमने खोल रखा था, फिर वापस जाके लेकर तो आ गए, लेकिन ऐसी गड़बड़ियाँ छोटी मोटी कभी कभार हो जाती है। आपके हुई हो तो आप भी बताना किस टाइम कब कैसी गड़बड़ी हुई, कभी सामान भूले हो क्या या फिर भूलकर वापस लेकर आए हो क्या। अरे लक्ष्मी जी की हिंदी भी रिकॉर्ड हो गई है। अरे भाई पास आलो, अब पापा तो खाली, अब पापा मुंह ने लूं पर फेंके, तू ले काजी को, बोले बंदो मुझे तू ना ले, कैसे क्या होते हैं शेखड़ मोने फोटो बड़ो ना। ए भाई बंद सही है बेटा, अरे पुलिस वालों को बंद करा दियो, पुलिस वाला आया मैं भी इंजन सामने आया नहीं पे हागी हुक लगना है। हां कहीं कहीं बंद करा दे रास्ते पे, तो मैंने मान लिया चित्रू अभी डांस कर रहा था।